ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे दिया है, जहाँ बी नॉट का वैल्यू बोल दिया, बी वन का वैल्यू बोल दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दो दो कॉस का टर्म्स है, मतलब यहाँ पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड का सुपर पोजिशन है, ठीक है ना, दो मैग्नेटिक फील्ड्स है, ठीक है। तो द आर एम एस वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी चार्ज क्यू इक्वल टू इतना एट जेड इक्वल टू जीरो इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है, ओके। तो आर एम एस वैल्यू ऑफ फोर्स पूछा है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो जो ये वाला टर्म है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हम लोग, तो इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को ई नॉट बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड बोलना चाहिए, मैं बार बार मैग्नीट्यूड निकल जा रहा है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है वो ई वन है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ई नॉट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ई वन है, ठीक है ना। अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे उसका डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, याद रखना ये मैग्नेटिक फील्ड आई कैप के अलॉन्ग है, ठीक है, ये वेव किस तरफ जा रहा है, प्लस के है ना, और वैसे ये वाला जे कैप के अलॉन्ग है और ये किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये आई कैप के अलॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड है, और के कैप के अलॉन्ग आपका वेव का डायरेक्शन है ना, क्योंकि माइनस ओमेगा टी मतलब के कैप के अलॉन्ग है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बी क्रॉस सी, आई क्रॉस के मतलब माइनस जे, ठीक है। तो इसके करिस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो ऐसा आएगा, मैं पूरा लिख ही देता हूँ, मैं पूरा तो लिख ही दिया ऑलमोस्ट, के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गया और एक कॉस वाला टर्म, ठीक है। वैसे इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो प्लस जे क्या है, सॉरी, इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जे के अलॉन्ग है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका वेव किस तरफ जा रहा है, प्लस के, तो जे क्रॉस के आई, तो ये आई के अलॉन्ग होगा, ठीक है। वही कॉस वाला टर्म लिखने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ओके, यहाँ तक ठीक है। चलो अब आपको बोला गया जेड का वैल्यू जीरो पुट करने, जेड का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जेड का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये गया, यहाँ पे जेड का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो इतना गया, ठीक है। स्टेशनरी चार्ज, अगर स्टेशनरी चार्ज है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगा नहीं पाएगा, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता, ये भी फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगा सकता है, देखना हर एक मैग्नेटिक फील्ड का करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, है ना। तो लेकिन ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब ये वाला फोर्स आप देखोगे तो टाइम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अलग अलग टाइम के वैल्यू पे इसका वैल्यू अलग अलग रहेगा, बस इसका वैल्यू अलग रहेगा। इस हिसाब से क्या पूछा गया, आर एम एस वैल्यू पूछा गया, ठीक है ना। तो आर एम एस के लिए हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, चार्ज का वैल्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, आप देखोगे तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव वाई के अलॉन्ग है और ये वाला प्लस एक्स के अलॉन्ग है, तो प्लस एक्स और नेगेटिव वाई दोनों तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ई वन, ठीक है, वो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रहेंगे हमेशा। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक सही है, ठीक है। तो क्यू इंटू ई नॉट स्क्वायर, अब ई नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी नॉट बाय सी, बी नॉट बाई सी स्क्वायर, तो सी बाहर आ जाएगा, वैसे बी वन बाय सी स्क्वायर, सॉरी इंटू सी स्क्वायर, सॉरी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना, बी इंटू सी होता है तो सी बाहर आ गया, है ना, ई नॉट हो जाएगा बी नॉट सी, ई वन हो जाएगा बी वन सी, ठीक है, इतना आ गया। अगर आप बी वन और बी नॉट और बी नॉट का बी बी नॉट और बी वन का वैल्यूज यहाँ पुट करो तो सी तो हो जाएगा 3 × 10⁸, क्यू आपका दिया हुआ है 10⁻⁴, बी नॉट कितना है इतना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻¹० और बी वन हो जाएगा आपका 4 × 10⁻², ठीक है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही छोटा है, 100 टाइम्स छोटा है इससे, ठीक है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, समझो इस चीज़ को। जैसे मैं आपको बोलूँगा 1 + 100, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 100 बोल सकते हैं ना, ज़्यादा फर्क तो आएगा नहीं, ठीक है, वैसे ही ये चीज़ इससे 100 टाइम्स छोटा, ऑर्डर में देखो ना, सॉरी ये चीज़ इससे 100 टाइम्स छोटा है, 10⁻², ज़्यादा है इसका, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग सिर्फ यही लिखेंगे, ये वाला चीज़, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 10⁵, है ना, तो 3 × 9 × 5 = 9, तो ये 0.9, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितना आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स आ रहा है 0.9 न्यूटन, ठीक है, 0.9 भी ऑप्शन में है, लेकिन आपको एफ मैक्स नहीं निकालना है, आपको आर एम एस वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आर एम एस वैल्यू ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, एफ मैक्स डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, तो 0.9 / √2, 1.414, ठीक है।
तो ये 14 25 70, 14 6 84, 14 7 98, तो 0.6 0.7 के आसपास आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है,